हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये एक बहुत ही सुंदर और आसान तोरण का पैटर्न कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। ये मैंने खास गुड़ी पड़वा के लिए बनाया है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस तोरण को कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2-ply में येलो और रेड कलर की वुल ली है। आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकती हैं। सिंगल कलर में भी ये तोरण बहुत सुंदर दिखता है। क्रोशे का 3 mm का हुक लिया है, सुई ली है और कैंची ली है। तोरण का सैंपल मैं ऑरेंज धागे से बना रही हूँ। सबसे पहले हम टोटल 36 यानी कि 36 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर मैंने टोटल 36 चेन बना ली हैं। अब हम हुक से चौथी चेन में दूसरा डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। पहले 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम इस दूसरे डबल क्रोशे को बनाएंगे। अब हम इसकी जो अगली चेन है इसमें एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से। अब इसके बाद हम 3 चेन स्किप करेंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। इस तरह से 3 चेन स्किप करके हम जो चौथी चेन है इसमें हम टोटल 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम इस तोरण में तोरण पट्टी भी इसी तोरण के साथ बना रहे हैं। तो ये जो अभी हम बना रहे हैं ये तोरण पट्टी है। हमें इस चेन में टोटल 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं इस तरह से। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो अगली चेन है इसमें फिर से हम 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2 3 और ये 4। पहली लाइन में क्रोशिया करते समय थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन दूसरी लाइन से हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे फिर से 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी ये जो चेन है इसमें 1 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब इसकी अगली चेन में भी हम 1 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी तोरण पट्टी का जो डिज़ाइन है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम तोरण का डिज़ाइन शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और नीचे की 2 चेन छोड़ देंगे और अगली चेन में 1 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हमें इसी पैटर्न को 6 बार कंटिन्यू करना है। ये इस तरह से, जैसा हम इस येलो कलर के तोरण में देख सकते हैं, हमें 6 बार इसी पैटर्न को बनाना है। ये हमारी तोरण पट्टी है और इसके बाद अब हम 6 बार इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ये 2 चेन बनाकर नीचे 2 चेन स्किप कर दी और अगली ये जो चेन है इसमें हम फिर से 1 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये हमने 3 बार बना लिया। अब ये हम चौथी बार बनाएंगे।
फिर से हम पांचवी बार बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब हम फिर से दो चेन बना के छठवीं बार इसे ये इस तरह से बनाएंगे, ये एक दो तीन चार पांच और ये छह। अब इसके बाद हम ये जो लास्ट की तीन स्टिचेस हैं इनमें एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहां पर टोटल हमारे चार डबल क्रोशे स्टिच बन जाएंगे। ये इस तरह से ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी रो के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये तीन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। इस दूसरी रो के डिज़ाइन में हमें टोटल पांच चेन बनानी है, तो अब हम बाकी की दो चेन बनाएंगे और ये जो चौथा डबल क्रोशे स्टिच है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रही हैं। ये इस तरह से तीन चेन हम पहले डबल क्रोशे के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पांच चेन बनानी है। अब हम ये जो बीच की दो चेन की स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशे बनाएंगे और अगला ये जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर हम एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से अब यहाँ पर हमें ये जो हमने पहली रो में दो चेन एक डबल क्रोशे बनाया है इसे हम यहाँ पर टोटल पांच बार बनाएंगे। पहली रो में हमने छह बार बनाए हैं, यहाँ पर हम पांच बार बनाएंगे। तो ये दो और फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच, फिर से दो चेन और ये डबल क्रोशे स्टिच, फिर से दो चेन डबल क्रोशे स्टिच। अब फिर से हम दो चेन बनाएंगे और ये डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारी जो तोरण पट्टी है ये शुरू होती है। ये पांच बार बनाने के बाद अब हम एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे अब यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे। तोरण पट्टी का पैटर्न दो रोज का है, हम दोनों रोज को अल्टरनेट रिपीट करते हैं। अब हम दो चेन की स्पेस में दो सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे और ये जो लास्ट के तीन डबल क्रोशे स्टिच हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये एक दो और ये तीन। ये इस तरह से ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट होती है। अब हम तीन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। तीसरी रो में हम सबसे पहले इस तोरण पट्टी का डिजाइन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हमने जो फर्स्ट रो में चार डबल क्रोशे दो चेन चार डबल क्रोशे का डिजाइन बनाया है इसे हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो ये जो पहला सिंगल क्रोशे है इसमें हम चार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, दो तीन और ये चार। अब फिर से हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे
और अगला ये जो सिंगल क्रोशे है इसमें हम 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये 1, 2, 3 और ये 4। इस तोरण पट्टी के पैटर्न में पहली और तीसरी रो सेम रहेंगी और दूसरी और चौथी रो सेम रहेंगी। अब अगली 2 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच बना लेंगे। तो ये तोरण पट्टी हमारी पूरी हो गई। अब इसके बाद हमें फिर से इसी पैटर्न को 4 बार रिपीट करना है। इसके पहले हमने 5 बार रिपीट किया है, तो अब इस तीसरी रो में हम 2 चेन 1 डबल क्रोशे को 4 बार रिपीट करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसके बाद अगली ये जो स्पेस है 2 चेन की, इसमें हम 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे हमने बना लिया है। अब हम बीच की ये जो 2 चेन की स्पेस है इसमें दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, ये तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर चौथा डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से। तो यहाँ पर पहली लाइन में हमने इस पैटर्न को 6 बार बनाया है, दूसरी लाइन में 5 बार और तीसरी लाइन में ये हमने इस पैटर्न को 4 बार बनाया है। अब हम टोटल 5 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे इस तरह से। अब हमारी ये जो चौथी लाइन है इसमें हम ये जो हमने इसके पहले की लाइन में 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं, तो चौथे डबल क्रोशे के ऊपर इस 5 की चेन को जोड़ लेंगे। अब हमें फिर से इसी पैटर्न को 3 बार बनाना है। यहाँ पर अब ये 4 डबल क्रोशे पूरे होने के बाद हम फिर से 3 बार इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पर हमें इस तोरण पट्टी के पैटर्न को फिर से रिपीट करना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। हमारी जो चौथी रो है ये बिल्कुल दूसरी रो की तरह बनेगी। अब हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और अब ये जो आखिरी के 3 डबल क्रोशे हैं इन्हें फिर से ये इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 1, 2 और ये। तो ये हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट होती है। अब हम टर्न करेंगे और सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये जो तोरण पट्टी है इसके पैटर्न को कंप्लीट करना है और आगे हमने ये जो इसके पहले की रो में हमने 3 बार इस डिज़ाइन को बनाया है, तो यहाँ पर हमें 2 बार बनाना है। तो ये मैंने तोरण पट्टी कंप्लीट कर ली और 2 बार इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो 2 चेन की स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके अगले ये जो स्टिच है इसमें हम फिर से
एक बार एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये टोटल चार डबल क्रोशे स्टिच बन जाएंगे। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो दो चेन एक डबल क्रोशे का पैटर्न है, ये यहाँ पर घटते क्रम में है। अब हम पांच चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब हमें फिर से ये जो चौथा डबल क्रोशे स्टिच है इसके ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। इसके पहले भी हमने इसी पैटर्न को बनाया है। अब हम यहाँ पर फिर से टोटल चार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, दो चेन की स्पेस में दो डबल क्रोशे और साइड में एक एक डबल क्रोशे। इस तरह से ये टोटल चार डबल क्रोशे। अब हम दो चेन बनाएंगे और दो चेन स्किप करने के बाद इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख पा रही हैं, तोरण पट्टी की शुरुआत करेंगे। दो बार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हमें फिर से तीन चेन, दो सिंगल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे बनाने हैं और इस लाइन को पूरा करना है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि दो चेन एक डबल क्रोशे का पैटर्न छः से एक तक आ गया है, यानी कि घटते क्रम में हमने इसको बनाया है। अब यहाँ पर ये हमारी लाइन कंप्लीट होती है। अगली लाइन के लिए तीन चेन बनाकर हम टर्न करेंगे। अब फिर से हमें इस तोरण पट्टी को दो डबल क्रोशे के स्टिच तक कंप्लीट करना है। ये हमने तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ इसके बाद हम दो चेन बनाएंगे और ये नीचे की दो चेन स्किप करके अगले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब फिर से हम दो चेन बनाएंगे और ये जो लास्ट का डबल क्रोशे स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि दो चेन एक डबल क्रोशे का पैटर्न अब यहाँ बढ़ रहा है। अब इसके बाद हमें इसे बढ़ते क्रम में बनाना है। अब हम ये जो पांच चेन की स्पेस है इसमें चार डबल क्रोशे, तीन चेन और चार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये चार डबल क्रोशे हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम दो चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे और फिर से हम चार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस पांच चेन की स्पेस में हम चार डबल क्रोशे, तीन चेन और चार डबल क्रोशे स्टिच बनाते हैं। इस तरह से अब इसके बाद ये जो अगली पांच चेन की स्पेस हम देख रहे हैं इसमें हमें फिर से चार डबल क्रोशे, तीन चेन, चार डबल क्रोशे के पैटर्न को रिपीट करना है। अभी इस तोरण पैटर्न में हम क्रोशिया करते हुए नीचे की ओर इस डिजाइन को बना रहे हैं। अब इसके बाद हम फिर से वापस इसी पैटर्न के ऊपर क्रोशिया करते हुए इन लाइंस को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा जो डिज़ाइन है ये इस तरह से दिख रहा है। अब हम फिर से ये जो हम पांच की चेन देख रहे हैं इसमें चार डबल क्रोशे, तीन चेन और चार डबल क्रोशे स्टिच को बनाएंगे। ये चार डबल क्रोशे, तीन चेन और चार डबल क्रोशे। ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा डबल क्रोशे। इस तरह से अब हम टर्न करेंगे। अब यहां पर हमें सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहां पर ये जो तीन चेन की स्पेस है यहां तक हम चार बार स्लिप स्टिच बनाएंगे।
जैसा आप इस वीडियो में देख पा रही हैं। ये तीन और ये चार। अब ये जो तीन चेन की स्पेस है, इसमें फिर से हम चार डबल क्रोशे, तीन चेन और चार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये चार डबल क्रोशे बन गए। अब तीन चेन बनाएंगे, और फिर से इसी तीन चेन की स्पेस में चार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये दो, तीन और ये चार, ये इस तरह से। अब हमें फिर से ये जो अगली दो तीन चेन की स्पेसेस हैं, इनमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है। ये तीन चेन, फिर से चार डबल क्रोशे स्टिच। यहां पर हम इस तरह से अब अगली लाइन की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो लाइन है, ये हमारी नीचे की ओर से ऊपर की तरफ बन रही है, इस तरह से। चार डबल क्रोशे, तीन चेन और ये चार डबल क्रोशे। इस तरह से अब हम इस लाइन को पूरा करेंगे। अब इसके बाद हमें दो चेन बनानी है, और ये जो नीचे चौथा डबल क्रोशे है, इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से दो चेन, एक डबल क्रोशे। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि दो चेन एक डबल क्रोशे के पैटर्न को ये तीन बार हमने बनाया है, इस तरह से। अब ये जो तोरण पट्टी का पैटर्न है, इसे हम आगे बनाएंगे। अब यहाँ पर ये दो चेन एक डबल क्रोशे का पैटर्न बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले तोरण पट्टी पूरी बना लेंगे। मैंने तोरण पट्टी के पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पर टर्न करने के बाद हम फिर से तोरण पट्टी बनाएंगे, और ये जो दो चेन एक डबल क्रोशे का पैटर्न है, तो ये जो दूसरा पैटर्न है, यहाँ तक हमें इसे फिर से रिपीट करना है। ये मैंने इसे बना लिया है। अब यहाँ पर हम तीसरी बार दो चेन एक डबल क्रोशे को बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से दो चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रही हैं। तो यहाँ पर ये हमने दो चेन एक डबल क्रोशे के पैटर्न को चार बार बना लिया है। अब हम ये जो तीन चेन की स्पेस है, इसमें चार डबल क्रोशे, तीन चेन, चार डबल क्रोशे, इस पैटर्न को फिर से बनाएंगे। तो ये चार डबल क्रोशे, तीन चेन और फिर से इसी स्पेस में चार डबल क्रोशे। इसके पहले की दो रोज में हमने इसी पैटर्न को बनाया है। ये इस तरह से।
अब हमें अगली ये जो तीन तीन चेन की स्पेसेस हैं इनमें इसी पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है। मैंने इस पैटर्न को पूरा कर लिया है। अब इसके बाद हम टर्न करेंगे और ये जो तीन चेन की स्पेस है यहाँ तक हम चार बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये एक, ये दो, तीन और ये चार, इस तरह से। अब हम तीन चेन बनाएंगे और इसी तीन चेन की स्पेस में टोटल चार डबल क्रोशे, तीन चेन और चार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से अब हम तीन चेन और चार डबल क्रोशे बनाएंगे। और अगली दो स्पेसेस में भी इसी पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से। अब अगली दो स्पेसेस में भी हम बना लेंगे, फिर हम आगे का डिजाइन देखेंगे। ये मैंने इस डिजाइन को पूरा कर लिया है। अब हम दो चेन बनाएंगे और फिर से ये जो चौथा डबल क्रोशे स्टिच है इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम फिर से दो चेन, एक डबल क्रोशे, इसी पैटर्न को हम तोरण पट्टी तक बनाएंगे। यहाँ पर टोटल हम पांच बार इस पैटर्न को बना रहे हैं। इसके पहले की लाइन में हमने चार बार बनाया है, अब यहाँ पर हम पांच बार बनाएंगे। ये इस तरह से। अब हम तोरण पट्टी को बनाएंगे। इस लाइन की तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। ये दो सिंगल क्रोशे स्टिच, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे स्टिच। इस तरह से हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम तीन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे और फिर से हमें इसी तोरण पट्टी को बनाना है। और टोटल हमें छह बार इस पैटर्न को यहां पर बनाना है। मैंने तोरण पट्टी और पांच बार दो चेन एक डबल क्रोशे के पैटर्न को बनाना है। यहाँ हमें एक और बार बनाना है। तो इस तरह से टोटल छह बार हम इस लाइन में इस पैटर्न को बनाएंगे। ये जो डिज़ाइन है हमारा बढ़ते क्रम में आ रहा है। अब इसके बाद ये जो अगली तीन चेन की स्पेस है इसमें हम फिर से चार डबल क्रोशे, तीन चेन, चार डबल क्रोशे, इसी डिज़ाइन को पूरा करेंगे। ये इस तरह से। ये तीन और ये चार, ये इस तरह से। अब हम बाकी के जो ये दो डिज़ाइन हैं इन्हें भी पूरा कर लेंगे और टर्न करेंगे। ये मैंने
तीनों स्पेसेस में चार डबल क्रोशे, तीन चेन, चार डबल क्रोशे बना लिए हैं। और यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन तोरण का अब बनने लगा है। अब हम टर्न करेंगे और ये जो पहली तीन चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके पहले की लाइन में भी हमने इसे बनाया है, टोटल हम चार बार स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसी पैटर्न को हम तीनों तीन चेन की स्पेसेस में कंप्लीट करेंगे। ये एक, दो और ये तीन, तीनों चेन स्पेसेस में हमें इसी डिजाइन को बनाना है। ये मैंने इस डिजाइन को पूरा कर लिया है। अब हम आगे की लाइन को यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्क्वेयर्स हैं ये हमारे बढ़ते क्रम में हैं। हमने यहाँ पर टोटल ये छह बार इस डिज़ाइन को यहाँ पर बना लिया है। अब हम फिर से दो चेन और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो चौथा डबल क्रोशे है इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और आगे फिर से छह बार इस लाइन में इसी पैटर्न को बनाएंगे, जिससे कि ये जो टोटल स्क्वेयर्स हैं ये हमारे सात बन जाएंगे। ये इस तरह से अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल क्रोशे जेमिनी को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर ये हमने टोटल सात बार स्क्वेयर्स बना लिए हैं। अब हम तोरण पट्टी को कंप्लीट करेंगे। मैंने इस तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम अगली लाइन के लिए तीन चेन बनाएंगे और ये तोरण पट्टी को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हमें ये जो टोटल छः स्क्वेयर्स हैं यहाँ तक इसी पैटर्न को, दो चेन एक डबल क्रोशे के पैटर्न को रिपीट करना है। अब यहाँ इस लाइन से ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। नीचे हमने सात स्क्वेयर्स बनाए हैं तो यहाँ पर हम छः स्क्वेयर्स बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये जो सातवां स्क्वेयर है इसके पहले की लाइन का, इसमें हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे दो चेन की स्पेस में, और पहले और आखिरी डबल क्रोशे को मिलकर यहाँ पर ये चार डबल क्रोशे स्टिच बन जाएंगे ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारे अब छह स्क्वेयर्स बन गए हैं। और फिर चार डबल क्रोशे के बाद हम फिर से पांच चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और ये जो पहले के चार डबल क्रोशे हैं तो इस चौथे डबल क्रोशे में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये इस तोरण का ये जो दूसरा पार्ट है ये स्टार्ट हो रहा है। हम एक पार्ट तोरण का बना चुके हैं ये इस तरह से। अब हम पांच चेन बनाने के बाद चार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें फिर से पांच स्क्वेयर्स बनाने हैं। इसके पहले हमने टोटल छह स्क्वेयर्स बनाए हैं। अब हम घटते क्रम में इस तरह से पांच स्क्वेयर्स बनाएंगे, फिर तोरण पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर ये मैंने इस तोरण पट्टी तक इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे।
फिर से तोरण पट्टी को हम यहाँ पर बनाएंगे। और अब हम टोटल 4 स्क्वेयर्स तक इस पैटर्न को बनाएंगे। ये हमारी तोरण पट्टी बन गई है और मैंने ये 4 स्क्वेयर्स तक इस पैटर्न को पूरा कर लिया है। अब हम ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है, इसमें टोटल 2 डबल क्रोशे और पहला और आखिरी डबल क्रोशे मिलकर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से अब हम 5 चेन बनाएंगे और फिर से टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमें फिर से ये जो चौथा डबल क्रोशे है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशे स्टिच बनाना है इस तरह से। अब हम ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और अगले डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब अगले 3 स्क्वेयर्स को हम फिर से रिपीट करेंगे और फिर हम तोरण पट्टी बनाएंगे। ये पहला स्क्वेयर, ये दूसरा, तीसरा और फिर हम इस तोरण पट्टी को बनाएंगे। मैंने इस तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3 चेन बनाकर टर्न करेंगे, फिर से हम इस तोरण पट्टी को बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशे इस तरह से और यहाँ पर अब हम ये 2 स्क्वेयर्स तक इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ पर ये मैंने 2 स्क्वेयर्स तक इसी पैटर्न को रिपीट कर लिया है। अब हमें फिर से अगली 2 चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं यहाँ पर। हम ये 5 चेन के पैटर्न को 3 बार रिपीट करेंगे और ये हमारा अभी तीसरी बार 5 चेन का पैटर्न रिपीट होगा। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे इस तरह से। अब हम टर्न करेंगे, फिर से चौथे डबल क्रोशे में 1 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब अगली 2 चेन की स्पेस में हम फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके आगे के डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर टोटल 4 डबल क्रोशे स्टिच बन जाएंगे और अब हमारे पास केवल एक ही स्क्वायर बचा है। तो हम यहाँ पर 2 चेन और 1 डबल क्रोशे बनाते हुए इस एक स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। अब फिर से डबल क्रोशे और तोरण पट्टी को पूरा करेंगे इस तरह से। अब इसके आगे का पैटर्न फिर से रिपीट ही है जैसा हमने ये जो एक स्क्वायर है यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि हमने एक स्क्वायर से फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 7 स्क्वायर तक बढ़ाया है, फिर से हमने घटाया है और तोरण पट्टी को उसी तरह से रिपीट किया है। यहाँ पर इस ऑरेंज धागे से मैंने तोरण का ये एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इस तोरण में टोटल 5 पार्ट्स हैं और सभी रिपीट हैं। इस पहले पार्ट के बाद हमें दूसरा पार्ट इसी तरह से बनाना है, ये इस तरह से। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमने ये जो तोरण बनाया है इसी को हमने रिपीट किया है
ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा और ये पांचवा पार्ट है। यहाँ पर तोरण की जो ये लंबाई है, ये मैंने टोटल 36 इंच बनाई है। हम जितना चाहें उतना हम इस लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से तीन चेन बनाकर तोरण पट्टी बनाएंगे, फिर से हम दो स्क्वायर्स बनाएंगे और ये जो तीन तीन चेन की स्पेसेस हैं इनमें हम चार डबल क्रोशे, तीन चेन, चार डबल क्रोशे के पैटर्न को रिपीट करेंगे और फिर से ये जो डिज़ाइन हमने इसके पहले के पार्ट में बनाया है उसे बनाएंगे, ये इस तरह से। अब फिर से हम ये दो स्क्वायर्स बनाने के बाद चार डबल क्रोशे, तीन चेन और चार डबल क्रोशे के पैटर्न को बनाएंगे। ये देखने में जितना कठिन लगता है ये पैटर्न उतना कठिन नहीं है। यदि आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको इस तोरण को बनाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम अगली तीन तीन चेन की स्पेसेस में फिर से चार डबल क्रोशे, तीन चेन, चार डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से हम तोरण को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये जो दूसरा पार्ट है इसकी दूसरी लाइन है और ये पहले पार्ट की दूसरी लाइन है। फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ हम रो को कंटिन्यू करते हुए बनाएंगे, फिर हम तोरण पट्टी और फिर ऊपर से नीचे की तरफ रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा तोरण ये बढ़ता जाएगा और हमें इस तोरण के जितने भी पार्ट्स बनाने हैं, हमें दरवाजे के हिसाब से जितना भी बड़ा तोरण बनाना है हम उतना बड़ा तोरण बना सकते हैं। मैंने इस तोरण में ये टोटल पांच पार्ट्स बनाए हैं और मेरा ये तोरण यहाँ पर पूरा हो गया है। इस तोरण में मैं तोरण की जो बॉर्डर है वो रेड धागे से बना रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर ये जो हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच है, तो इस तरह से हम ये जो पहले डबल क्रोशे की स्पेस है इसमें हम लाल धागे को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब हम तीन चेन बनाएंगे पहले डबल क्रोशे के लिए। अब हम यहाँ पर ये जो डबल क्रोशे की स्पेस है इसमें टोटल तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। बॉर्डर के लिए हम अपने हिसाब से किसी भी बॉर्डर के डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं हर स्पेस में दो दो डबल क्रोशे और सिर्फ पहली और आखिरी स्पेस में तीन तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाऊंगी। पहली स्पेस में हमने तीन डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम अगली ये जो स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हम तोरण को सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यदि दो कलर्स यूज़ करते हैं तो तोरण ज़्यादा सुंदर दिखता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये रेड धागे का यूज़ किया है। अब ये जो डबल क्रोशे की स्पेस है इसमें दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे और इस बॉर्डर डिज़ाइन की पहली लाइन को पूरा करेंगे। मैंने इस बॉर्डर डिज़ाइन की पहली लाइन को पूरा कर लिया है। अब ये जो सबसे लास्ट की स्पेस है इसमें हमें तीन डबल क्रोशे बनाने हैं फिनिशिंग के लिए। बाकी की स्पेसेस में हमने दो दो डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब इस तरह से हमने ये तीन डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब हम दूसरी लाइन के लिए सबसे पहले टोटल चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन और ये चार। अब यहाँ पर इसके बाद हम ये जो
बीच की स्पेस है, इसमें हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब फिर से हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगली स्पेस में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर ये डिज़ाइन थोड़ा अलग है, इस तरह से एक चेन एक डबल क्रोशे, एक चेन एक डबल क्रोशे हमें इस पूरी लाइन में बनाना है। इस तरह से एक चेन एक डबल क्रोशे। मैंने इस दूसरी लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरी लाइन के लिए सबसे पहले तीन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये जो तीसरी लाइन है ये बिल्कुल पहली लाइन की तरह बनानी है। यहाँ पर हम ये जो एक चेन की स्पेस है इसमें पहली और आखिरी स्पेस में तीन तीन डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच की सभी एक चेन की स्पेस में हम दो दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये हमारी पहली लाइन का ही रिपीट स्टेप है। इस तरह से दो डबल क्रोशे। अब फिर से अगली एक चेन की स्पेस में दो डबल क्रोशे। सिर्फ पहली और आखिरी स्पेस में हमें फिनिशिंग के लिए तीन तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। तो अब मैं इस तरह से इस थर्ड लाइन को पूरा कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हम ये सबसे लास्ट की जो स्पेस है इसमें तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से। अब हम धागे को काट लेंगे। और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से ये जो हमारे बचे हुए धागे हैं इन्हें हम अंदर की तरफ सिल लेंगे। हमारा तोरण पूरा हो गया है। यहाँ पर मैंने तोरण को और सजाने के लिए पॉम्पॉम लगाए हैं। पॉम्पॉम लगाने के बाद तोरण बहुत ही सुंदर दिखता है। मैंने पॉम्पॉम कैसे बनाते हैं इसका वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पॉम्पॉम के और बाकी क्रोशे के बेसिक्स की लिंक दे रही हूँ, आप उस पर जाकर देख सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इस पॉम्पॉम को कैसे लगाएंगे। तो ये जो तीन चेन की स्पेस है इसमें हम सुई की मदद से इस पॉम्पॉम को सिलेंगे। ये इस तरह से हम ये जो तीन चेन की स्पेस है इसमें हम दो बार धागे को डालेंगे। यहाँ पर पॉम्पॉम सिलने के लिए मैंने डबल धागा लिया है। ये इस तरह से हम इस पॉम्पॉम को इस तोरण के साथ सिल लेंगे। अब यहाँ पर हम ये जो धागा है इसे काट लेंगे। इस तरह से हमारा ये गुड़ी पाड़वा स्पेशल तोरण तैयार है। और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को नव वर्ष की गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं।